Hey guys, hi, welcome back to my channel Pretty Moon. Guys, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरी टॉप 2 होममेड फेस पैक और विच इज रियली इफेक्टिव फॉर रिमूव सनटैन. तो अगर आपको जानना है ये फेस पैक मैंने कैसे बनाया तो इस वीडियो को एंड तक देखिए. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट फेस पैक बनाने के लिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमें जो चाहिए फर्स्ट वो है सम बेसिल लीव्स, और मैं इसे अच्छे से धोने के बाद ही यूज़ करूँगी. अगर समर में आपकी स्किन पे इचिंग की प्रॉब्लम होती है, प्रिकली हीट होती है बहुत, तो आप यूज़ कर सकते हो बेसिल लिप्स को, क्योंकि बेसिल में है स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट एंड कर्नोसिक एसिड, जो कि हमारी स्किन से इचिंग की प्रॉब्लम, प्रिकली हीट की प्रॉब्लम को दूर हटाने में मदद करती है. उसके साथ साथ बेसिल में है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, आयरन, पोटाशियम, जिंक एंड इम्यूनो एनहांसिंग प्रॉपर्टीज, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है. और ये फेस पैक को आपको रखना है अपने फेस पे 5 मिनट्स तक, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो. अदरवाइज आप इस फेस पैक को 10 मिनट्स तक भी रख सकते हो. ये फेस पैक बहुत कूलिंग इफेक्ट देती है अपने फेस पर. सेकेंड इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है हाफ कटा हुआ कुकुम्बर, और क्यूकुम्बर में है 96% वाटर, बट वाटर इज नॉट ऑल दैट क्यूकुम्बर कंटेंट्स, इट ऑल्सो हैज अदर न्यूट्रिएंट्स. इसमें है मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन सी, जो कि हमारे हेल्थ के लिए और स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है. और समर में क्यूकुम्बर इज जस्ट ऑसम. एंड सब क्यूकुम्बर और बेसिल्स को आपको करना है ग्राइंड. और हम सभी जानते हैं क्यूकुम्बर नेचुरल एस्ट्रोजन की तरह भी काम करती है, जो कि कोई भी टैनिंग, सन टैनिंग रिमूव करने में मदद करती है. उसके साथ साथ क्यूकुम्बर में है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हेल्प करती है हमारे स्किन में जो इरिटेशन समर में होती है उसे सूद करने को. एंड थर्ड इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है थोड़ा सा रोज वाटर. तो कुकुम्बर एंड बेसिल्स को ग्राइंड करने के बाद आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा रोज वाटर. तो मैं अब इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा रोज वाटर और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और देन मैं इसे अप्लाई करूंगी मेरे पूरे फेस पे, क्लीन फेस पे. तो कोई भी फेस पैक लगाने से पहले मेक श्योर कि योर फेस इज क्लीन. आप ये फेस पैक को अपने फ्रिज पर भी रख सकते हो 7 डेज तक. और फेस पैक, कोई भी फेस पैक लगाने से पहले आप आपकी बालों को सिक्योर कर ले कोई भी हेयर बैंड से. देन मैं मेरे पूरे फेस पे इसे अप्लाई करूंगी और 5 मिनट्स के बाद नॉर्मल पानी से इसे धो लूंगी. ये फेस पैक लगाने के बाद थोड़ा सा जलन होगी स्किन में, तो बट इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं. ये सिर्फ और सिर्फ बेसिल की जो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है उसकी वजह से, बट इसका बैड कोई रिएक्शन नहीं होगी अपनी स्किन पर. तो 5 मिनट्स बाद मैं धो लूँगी मेरे फेस को, और धोने के बाद ऐसे डैब डैब करके
मैं मेरे पूरे फेस को वाइप कर लूँगी। हमेशा अपने फेस को ऐसे डैब डैब करके ही वाइप करना चाहिए, कभी भी खींच के मत अपने फेस को वाइप कीजिएगा। इसे हमारे स्किन डैमेज हो सकती है और इसे लगाने के बाद मैं बहुत रिफ्रेश और कूलिंग फील कर रही हूँ और अब देख सकते हो मेरे स्किन कितना ब्राइट हो गया है। तो ये फेस पैक ग्रेजुअली हेल्प करती है सैंटन रिमूव करने के लिए। एंड सेकेंड फेस पैक बनाने के लिए मैं यूज करूंगी 1 स्पून योगर्ट यानी कि दही। और दही हमारे सभी के घर में हमेशा अवेलेबल होती है। दही के अंदर है एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट जो कि हमारे ड्राई स्किन को नेचुरली हील करती है। इट ऑल्सो कंटेन्स लैक्टिक एसिड दैट एक्ट एज एन एक्सफोलिएटर ऑन आवर स्किन। एंड हमारे स्किन में जो सारे डेथ सेल्स और ब्लेमिशेस होती है उसे भी हटाने में मदद करती है। और इसके अंदर भी है स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज जो कि सैंटन रिमूव करने में मदद करती है। बिकॉज योगर्ट इज वन ऑफ द टायर्ड एंड टेस्टेड होम रेमेडी टू गेट रीड ऑफ सैंटन फ्रॉम फेस एंड बॉडी। सेकेंड इंग्रेडिएंट में यूज कर रही हूँ रेड रेंटिल यानी कि मसूर की दाल। रेड रेंटिल इज नोन स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज, इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव सन टैन। और रेड रेंटिल भी बहुत अच्छा स्क्रबिंग की स्क्रबर की काम करती है। और उसके साथ साथ रेड रेंटिल में है भरपूर मात्रा में विटामिन सी, आयरन, विटामिन B6, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम व्हिच इज आल्सो अमेजिंग फॉर आवर हेल्थ एंड स्किन। आप रेड रेंटिल्स की पेस्ट भी यूज कर सकते हो बट मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ इसकी डस्ट। सूखा रेड रेंटिल्स को मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद ऐसे डस्ट हो जाती है और आप इसे स्टोर करके रख सकते हो काफी दिनों तक। थर्ड इंग्रेडिएंट में यूज करूंगी गर्म फ्लावर यानी कि बेसन। गर्म फ्लावर इज ऑल्सो वन ऑफ मोस्ट यूजेबल होम रेमेडी टू रिमूव सन टैन। गर्म फ्लावर हमारे स्किन की पीएच लेवल को भी मेंटेन करते हैं और इसमें है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज जो हेल्प करते हैं हमारे स्किन को टाइटनिंग करने को और हमारे स्किन को सैगिंग होने से बचाते हैं।
एंड फोर्थ इंग्रेडिएंट मैं यूज कर रही हूँ रॉ टर्मरिक पेस्ट। टर्मरिक एक्चुअली मेक्स ए ग्रेट स्किन केयर इंग्रेडिएंट। इट ऑफर्स वैल्यूएबल बेनिफिट्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। टर्मरिक कंटेन्स एन एक्टिव कंपाउंड कॉल्ड कर्क्यूमिन व्हिच पजेस एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एंड वर्क वेल टू हील एक्ने। इट इम्प्रूव द ओवरऑल स्किन टेक्सचर एंड मेक इट सॉफ्ट, सफल एंड रेडियंट। फॉर इट्स स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज इट रिमूव सनटन नाइसली। और टर्मरिक काफ़ी सालों से ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम स्किन केयर क्रीम के अंदर, फेयरनेस क्रीम के अंदर टर्मरिक होती है। देन उसके बाद में ऐड करूंगी थोड़ा सा रोज वाटर इन सभी को मिक्स करने के लिए। तो रोज वाटर की हेल्प से इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये फेस पैक कुछ लगेगी ऐसी। और ये फेस पैक को आप रख सकते हो अपने फेस पर 10 मिनट तक। नाउ मैं इसे अप्लाई करूंगी मेरे क्लीन फेस पे। और इसका जो स्मेल है वो गजब की है। तो इसे अप्लाई करने के बाद मैं 10 मिनट तक वेट करूंगी, देन प्लेन वाटर से मेरे पूरे फेस को धो लूंगी। और धोने के बाद डैबिंग मोशन में मैं मेरी स्किन को वाइप कर लूंगी। तो अब आप देख सकते हो मेरे स्किन में कितना अच्छा एक ग्लो आया है। जस्ट सी द ग्लो ऑन माई फेस। और मैं एक सॉफ्टनेस फील कर रही हूँ मेरे स्किन पर। और अब ये फेस पैक को रेगुलर यूज कर सकते हो। एक बार रात में सोने से पहले ये फेस पैक अगर अप्लाई करें तो बेहतर होगा। और मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है और ये अच्छे से रिमूव करते हैं सेंटान। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा टॉप 2 होममेड फेस पैक। अगर आपने अभी तक कोई भी एंटी टैन वाला फेस पैक नहीं यूज की हो, फिर भी आप टैन से परेशान हो, तो जरूर आप ये 2 फेस पैक ट्राई करके देखो। और ट्राई करने के बाद मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप कैसे हो। सो दैट्स इट। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को जरूर एक बड़ा सा लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे सोशल मीडिया पर। और अगर मेरे ये चैनल आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों को मेरे वीडियो देखना पसंद है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन को भी हिट कर दो ताकि मेरे आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियो के साथ आप लोग नोटिफाई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा।